नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कचंदा शासकीय हाई स्कूल में बिना दरवाजे के शौचालय में शौच करने को मजबूर। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कचंदा के शासकीय हाई स्कूल में मानवता को शर्मसार करने जैसा मामला सामने आया है, जहां के स्कूल प्रबंधक को इतना भी समझ नहीं है कि हाई स्कूल के बच्चों को बिना दरवाजे के खुले में शौच करने के लिए छोड़ दिया क्या? ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से हाई स्कूल के सभी अध्यापक और प्राचार्य जो अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या अब निजता के अधिकार का भी हनन किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। यहाँ के शौचालय की सफाई बच्चे ही करते हैं, ऐसा स्कूल के ही एक अध्यापक का कहना है। आइए सुनते हैं ग्रामीण और विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। सर, मेरे कहने का मतलब है, ऐसे खुले में लड़की बच्चे लोग कैसे टॉयलेट करते हैं? ये तो पूरा दरवाजा नहीं है, देश का बड़ा समस्या है। ये देश का ये तो बड़ा समस्या है, है? बताइए ना, वीडियो बनाइए आप, देखिए यहाँ दरवाजा नहीं है तो कैसे टॉयलेट करते हैं बच्चे लोग? हाँ, मैं कचंदा ग्राम कचंदा का रहने वाला हूँ, अश्वनी कश्यप। क्या स्थिति देख रहे हो स्कूल का? सर जी, आप खुद देख लीजिए स्वयं, यहाँ का विवरण, यहाँ का प्रोलोकेशन, यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकार का पैसा खाया जा रहा है, यहाँ काम कुछ नहीं चल रहा है। बाकी आप स्वयं देख सकते हो। क्या कहना चाहते हैं? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, जो अधिकारी है, यहाँ का सर्वेक्षण है, वो ध्यान दे और काम को तरीके से कराए, अन्यथा यहाँ का जो कार्यभार है उसको सस्पेंड किया जाए यहाँ का अधिकारी को। तो सामने में है, आप अंदर जाकर जांच कीजिए, देखिए यहाँ पूरा सभी गंदगी है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, आप देखिए ना यहाँ जाकर स्वयं। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने यहाँ? हमारे गांव से आते हैं और कुछ खिसरामपुर पास ही आते होंगे। हाँ, हम यही चाहते हैं कि जो सुविधा है सरकार का, जो दे रहा है, उसको मिलना चाहिए बच्चे लोगों को, तभी तो आगे बढ़ेगा। और यहाँ कुछ सिस्टम ही नहीं, आप देख लीजिए स्वयं। मतलब भ्रष्टाचार है पूरा, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पूरा भ्रष्टाचार है। तो मेरे निवेदन, सरकार से निवेदन है, पत्रकार से निवेदन है कि आप इसको आगे ले जाइए और इसको सही ढंग से, जो गलत कर उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसको बिल्कुल कार्रवाई कीजिए यहाँ। महोदय जी, परिचय बताते हुए बताइए, स्कूल के बारे में बताइए। मैं ग्राम कचंदा से, मेरा नाम सुरेश दास है और मैं कचंदा से हूँ, और स्कूल के बारे से बोलना चाहता हूँ मैं। यहाँ का जो मेंटेनेंस है, जो स्कूल के जो शिक्षक है, उसके द्वारा नहीं हुआ है, और इसी के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बाथरूम का व्यवस्था, खिड़की का और बहुत सारा चीज़ ऐसा है, जैसे आप लोग जाएंगे और देखेंगे तो आपको समझ आएगा, मैं बोलूँगा तो गलत है, लेकिन फिर भी मैं गाँव के नागरिक के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये स्कूल में कोई भी, जो यहाँ का जो प्रिंसिपल है, पटेल जी बोलते हैं, तो कोई नहीं किया है। ऐसे सुनने में आता है कि हर वर्ष आता है पैसा इसके लिए, अभी भी आ चुका है और बोला गया था बीच में कि हम काम करवाएंगे, लेकिन ये काम नहीं, अभी तक करवाया नहीं है। और इसके विषय में आप, ये बहुत दिन हो गया है, दिवाली से पहले से आया था, हाँ हर साल का आता है, और पहले भी पत्रकार आया था और उसके ही द्वारा काम हुआ था, और गाँव वाले के बोलने से ये काम नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग को बुलाया गया भैया। तो मेरा ये कहना है, जो स्कूल के लिए, जो बच्चे लोग के लिए आता है, सुविधा के लिए आता है, जो पोताई के लिए आता है, मेंटेनेंस के लिए आता है, और वो जो गुरुजी है, जो प्रिंसिपल है, जो इसका पैसा खा रहा है, उसको स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सख्त तक सख्त कार्रवाई किया जाए, ये हमारा निवेदन है। मैं पुरुषोत्तम सिंह खोटे, व्याख्याता, लेक्चरर, शासकीय हाई स्कूल का चंदा, और यहाँ मरम्मत अभी सत्र नहीं हो पाया है, पैसा आया हुआ था और अभी उसका कार्य नहीं हुआ है। हमारे प्राचार्य हैं पटेल सर, वो बता पाएंगे कि क्यों अभी तक खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है, उसको डिटेल वही बता पाएंगे, लेकिन मरम्मत इस वर्ष नहीं हुआ है। पर्चे बताते हुए बताइए, कौन सा स्कूल है? क्या है? पर्चे बताते हुए, आपका पर्चे बताते हुए बताइए, कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट हाई स्कूल कटंदा, और मेरा नाम है भगवान तरण टंडन, मैं लेक्चरर हूँ संस्कृत का। ये कौन सा जगह है सर? ये कौन सा जगह है? ये जो है टॉयलेट है। किसका है? बॉयज लोग का बाथरूम है। आप क्या स्थिति में देख रहे हो सर इसको?
कौन सी स्थिति में देख रहे हो आप? मैं क्या बोलूंगी इसके बारे में, आप लोग देख रहे हो वही सही है। क्या चीज दिख रहा है, दरवाजा है कि नहीं है? अब ये सारे सवाल हमारे प्रचारी महोदय से पूछे, क्योंकि वही उनका पैसा का लेन देन करते हैं, मेंटेन करेंगे, और इसके बारे में कुछ अभी क्या देख रहे हो आप, स्थिति में क्या देख रहे हो? अभी तो खराब स्थिति में है। दरवाजा है किसी में? दरवाजा भी नहीं है। कितना दरवाजा टूटा है? टूटा हुआ है। कितना दरवाजा टूटा है? एक ही दरवाजा लगा था, यहाँ पर वो अंदर में लगा था, वो टूट गया है पहले से। तीन दरवाजा टूटा हुआ है और एक टॉयलेट तो खत्म हो चुका है। ये सही नहीं है क्या? सही है, सही है, ये टूटा हुआ है ना? हाँ टूटा हुआ है, सही है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, अगर कोई भी आएगा यहाँ पर जो उच्च अधिकारी नहीं, टॉयलेट करेगा बच्चे लोग, तो क्या कहेंगे, कैसे करेगा लोग? उनको बोल सकते हैं कि मतलब दरवाजा लगाने के। बच्चे लोग कहाँ जाते हैं टॉयलेट करने? तो टॉयलेट में केवल यूरिन करने आते हैं, खुला ऐसे कर लेते हैं, कोई भी आएगा तो देख लेगा। बताइए सर, जो स्थिति आप देख रहे हैं मैं क्या बोलूंगा उसके बारे में बताइए, मैं जाती बताइए। पर्चे बताते हुए बताइए, यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर देखने को मिल रहा है, अभी कोताही हुआ कि नहीं, रिपेयरिंग हुआ कि नहीं ये साल? ये यहाँ के कुत्ताई जो है प्रचार महोदय ही बता पाएंगे जो भी है कि क्या है कैसा है। आप आते हो सर, आप देख रहे हो तो हुआ है कि नहीं आपके देखने में? साल हुआ नहीं है, बीस साल हुआ नहीं है। यहाँ झाड़ू कौन लगाता है सर? झाड़ू तो बच्चे लोग लगाएंगे। झाड़ू लगाने के लिए बच्चे लोग लगाते हैं जी? और जो सुपर और चपरासी है नहीं है तो बच्चे लोग ही लगाते हैं। लेटरिन बाथरूम को कौन साफ करता है सर? जो बच्चे लोग हैं वो बच्चे है, और यहाँ का हम लोग पानी वानी डालना ही करना चाहते हो। स्वीपर और चपरासी है ही नहीं है, केवल चार स्टाफ दिए हुए हैं, यहाँ उसकी पोस्टिंग ही नहीं है, पद ही स्वीकृत नहीं है। RMS स्कूल होने से न स्वीपर की है न चपरासी की भी यहाँ नहीं। नहीं जो भी है प्रचार महोदय ही इसके अच्छी तरीके से बता पाएंगे। कहाँ गए प्रचार या सर? मिडिल स्कूल गए हुए हैं, जानकारी नहीं। किसका? प्रिंसिपल सर का क्या नाम है? जी आर पटेल सर है, वो ही बता पाएंगे मुझे इसका और ज़्यादा। बताइए, देखिए या तो टीचर करेंगे या बच्चे करेंगे, भाई स्वीपर और ये तो है ही नहीं है, या टीचर करें या बच्चे करें, स्वीपर है ही नहीं है, कुछ अपराशी है ही नहीं है, ना यहाँ स्वीकृत पोस्ट है। तो आपका संकुलपुर प्रभारी तो वही खुद ही है यहाँ प्रचार ही, संकुल प्रभारी वही है, यहाँ स्वीकृत ही नहीं है ना सर।